बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल डिज़ाइन प्लस व्लॉग। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो व्यूवर्स आज हम पहुँचे हैं दरबार हज़रत शाह जीवना जो कि जंग में है, और हम आज इनके जो है ज़िंदगी के जितने भी हकायक हैं वो जानेंगे, और चराग की हकीकत क्या है और मलंग की वफात कैसे होती है, आलम पाक जहाँ पे बुलंदी पर दिया जलाया जाता है, और मज़ार पीर लद्दन इमाम पोते शाह जीवना सरकार के जिन्होंने दीवार चलाई थी, तो दरबार की पूरी तफसील देखेंगे। हजूरी वन क्या है ये चीज़ सब देखेंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, तो आप इंजॉय करेंगे, मेरे साथ चलें। जी ये ग्राउंड है दरबार शाह जीवना का, ग्राउंड है, देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से, तो देखें जी। और व्यूवर्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे सारी वीडियो देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जी खूबसूरत सा दरबार, मज़ार पे जो करामात हैं उनकी कहानी सुनेंगे, और मज़ार पे लद्दन इमाम पोते शाह जीवना सरकार के बारे में उनसे जो है तफसील पूछेंगे। जी ये मज़ार है, ये सुर्ख चादर जो बिछी हुई है, तो ये बाकी की कब्रें हैं, शहीदों की कब्रें होती हैं इधर, और किसी की नहीं हो सकती। ये दरबार जो कि हज़रत शाह जीवना के पोते हैं, तो इन्होंने दीवार चलाई थी, वो मलंग भी हमें अभी बताएगा। तो देखें जी, और यहाँ पे धागे लोग बांधते हैं, देखें जी मन्नतों के धागे बांधे हुए हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं, तो आप भी आएँ, आप भी देखें माशाल्लाह से, बे औलाद लोग भी अपनी मन्नतें मांगते हैं, देखें ये है पीर लद्दन इमाम शाह जो कि शाह जीवना के पोता है। तो आइए भी मैं सुनते हैं पीर लद्दन इमाम शाह पोते शाह जीवना की जिंदगी के हकाइक। लद्दन इमाम है जिहड़ा 7 साल का बच्चा है जिन्हें मिट्टी की दीवार तुड़ाई है, सप का चाबक बनाया है, जिन्हों का नाम क्या सरकार लद्दन इमाम दावा इमाम नकी की औलाद है, जिहड़ी मिट्टी की दीवार तुड़ा ले गया शाह जीवने शहर वड्डे इमाम बारगाह को इस टाइम ही मौजूद है। हाँ जी, ये शाह जीवने सरकार का पोतरा है। अच्छा, सरकार शाह जीवने दी वो अंदर मज़ार है जी, अगू इन्हों के वालिद की भी अंदर मज़ार है। अच्छा जी बाजी, बड़ी वड्डी गद्दी है, कोई समझण वाला होवे तां ओ मस्जिद है, इत्थे कवाली होंदी है ते जेले किड़ी ते बंदे ने करमाल ओ। अच्छा अच्छा, ए बैक साइड ते लंगर खाना है नाल मस्जिद है, दुआ इमाम बरगाह है। अच्छा हां जी, इमाम बरगाह दे नाल ही लंगर खाना है, वड्डा माचे सजया जांदा हजरत शाह जीवना सरकार दा जी, ओ सामने है। अच्छा, ए हजूरी वाण है, औलाद नोवे अढ़ाई पत्ते जाए 7 पत्ते दरू शरीफ पाड़ ते चित सिखाओ औलाद देंदा मालिक ने, मुंह नु दर्द होवे जिंदगी केड़े पत्ते ओ अधूरी वाण छप्पर आला, दाड़ नु दर्द दे नहीं रुकदी पई, अढ़ाई पत्ते दरू शरीफ पाड़ ते चित सिखाओ लो जिंदगी दाड़ नु दर्द दे नो से, ए ओ अधूरी वाण है। अच्छा, इसकी औलाद नोवे मां प्यो बीमार है। अच्छा जी, दाड़ नु दर्द दे ए दे दरू शरीफ पाड़ ते पत्ते खावी ना, कितने पत्ते खाएं, औलाद नहीं है तो 7 पत्ते खाओ दरू शरीफ पाड़ ते, हां जी दाड़ नु दर्द दे ता 2.5 पत्ते चित ते खाओ। अच्छा, जिंदगी दाड़ नु दर्द नहीं होंदी है वो अधूरी वाणी। अच्छा, इसे हजरत शाह जीवन सरकार दी बैठक होंदी है। अच्छा, बैठक में तो ये नहीं कि इत्थे बंदे आन, ठीक है 7 पत्ते खाएं, हां जी दरू शरीफ पाड़ ते 7 पत्ते, 7 पत्ते एक पत्ता तोड़ ले दरू शरीफ पाड़ के खा ले, आज
माशाल्लाह कितना प्यारा है। साथ रोटियां खानी होती हैं। वो है एक काने तो सुने हुए हो सोना तो सामने ये लकड़ा होती है काने नहीं होते थे यार देखा काने पतला वगैरह जिन बुलाई थी वो एडी एक छोटी जी होती है उसके ना खुद मखदूम साहब ने बैठे इबादत कर ली। अच्छा हाँ जी ये मंगल जेड़ा होता है ना ये जिंदगी और मौत का सवाल होता है। अच्छा जी अच्छा पीले जहर हो जाते हैं क्यों ये बड़ी मंगल औखी है दिन इतनी गर्मी होती है भी सोच साढ़े को ये दिन गर्मी होती हवा नहीं होंगी फुल गर्मी जल्द शाम टाइम चराग धोंदा है ना उल लंघी साइड वाल तेज हवावान तो बारिश होती है उस ना अजान शाम की अजान तो बाद चराग चढ़ते अच्छा हाँ जी चराग बुझ जाए ना या पीर साहब पर फौत हो जाने या उन्होंने कीड़ी वाले मलंग फौत हो जाएंगे। हाँ जी ये अल्लाह की अमर हुक्म है कोई तो मलंग पहले बैठा था इधर मलंग है ना अभी मखदूम साहब आ रहे हैं ना इतने फैते दे रहे हैं इलाके वा मलंग हूँ साढ़ा उदे चला गया पीर साहब और अगू लैन है। अच्छा कभी ऐसा भी हुआ कोई चिराग बुझा भी है? हाँ बिल्कुल बुझा है। हाँ जी तो वो वफात पा गया था मलांगे ना उन्हों का वालिद फौत हो यार वो थी इमाम बारगाह निजार है। अच्छा उसी साल में या उसी वक्त साल नहीं नहीं वो चिराग जब बुझता है तो कितने अरसे बाद यानी कि वो फौत होते हैं? दो तीन दिन ना बाद खुद फौत। अच्छा अच्छा जी उन्होंने अंदर इमाम बरगाह चो मलंग जरा फौत हो चिराग बुझा तो मखदूम साहब का वालिद है अंदर मिजार है। चले भाई अंदर भी आए हमें दिखाएं आ जाओ दिखाए मलंग दी कबर है। अच्छा अच्छा जो कौन है फौत ये खबर ली इसका नाम है। अच्छा ये फौत हुए थे वो चिराग जब बुझा था बुझे तो फौत हो गया। अच्छा अच्छा हाँ जी ये है जी वो ही मलंग की है जी। अभी हम दरबार पे जा रहे हैं अंदर शादी में सरकार की मज़ार पे जा रहे हैं तो आप ही मेरे साथ आएँ ज़्यारत करें दरबार शादी में नहीं इधर शादी हो ना सरकार की मज़ार। अच्छा सामने साइया की मज़ार है सलाम तुसा करना है मैं देती हूँ आपके भाई सलाम करना है आ जाओ भैया आ जाओ। अच्छा माशाल्लाह बिस्मिल्लाह ऐसे क्यों ना लाइया ये सरकार है जरा शादी होने की मिजार है। अच्छा जिन्हों करोड़िया बुलाई था जी जी माशाल्लाह और जेड़ी सूरत मुजम्मिल है वो अंदर सामने खड़ी आ जाओ आ जाओ सरकार और अदा पूरा सजना करते हैं माशाल्लाह ऐसे करो सलाम बिस्मिल्लाह ते जी हूं पे आना रोटी खाने जाऊंगा घर मेरी लाए तो खा जा जा बाय किया माशाल्लाह ये भाई जान हां जी मोटरसाइकिल ही कोल है पांच मिनट बाद गेट की गल चीज है आप है ना अला बाबा मैं हम नाम हूँ मैं हमने आ जाओ आगे करो लंगर साडा आया पे अखरे ने मैं थोड़े दिन ए मखदूम फैसल साले हयात है गद्दी नशीन ए सैयद असद हयात उन्हां दा भाई है छोटा। अच्छा अच्छा ते बाबा मियां इन्हां दा मखदूम साहब दा इको पुत्र बाहर दा मुल्क दा। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी हां माशाल्लाह ए सूरत ओ खड़ी है। अच्छा ये सूरत दा वाकया यस हां जी वाकया दसो ये सूरत दा सूरत मुजम्मल ये जेड़ी सरकार हजरत शाह जी उन्हें ना दरिया देख लो तो पढ़ी है ना हाँ जी सूरत एक करोड़ दफा। अच्छा एक करोड़ किराड़ी नु कलमा ही पढ़ाया सरकार ने एदी बड़ी वड्डी दास्तान है जी जी ए सखी हबीब उन्हां दा पोतरे ओ लगाणी शाह जी उन्हां सरकार दा शाह जी उन्हें इन दा बेट। अच्छा 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 इन्हां दा बेटा है ए दादा पोतरा ने लगाणी मान ते। अच्छा अच्छा हां जी माशाल्लाह आ जा
ये मस्जिद है, ये इत्थों दी मिट्टी नहीं है। अच्छा। बाहर दी मिट्टी है, लाल मिट्टी है। अच्छा, इत्थों दी मिट्टी नहीं है? नहीं जी, इत्थों दे दिखाने आ तुहानू, मिट्टी भी खाने आ नालों। ये देखें जी, एक अम्मा बैठी हुई हैं, वो पानी पी रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। ये दरख्त हैं, जगह जगह पे हैं जहाँ पे मन्नतों के धागे बांधे जाते हैं। और ये दरबार है पीर सफ़ी हबीब शाह का, मुबारक अली शाह का, इनके दादा परदादा और इनके आबाओ अजदाद की यहाँ पे मज़ार हैं। इतनी वड्डी उन्हां दा कितना कद आई ते इतनी वड्डी कब्र। जमाने दे कद बड़े वड्डे होंदे। हां जी, कोई आई दी ते नहीं कि 400 साल गुजर गए। हां जी, मातमदारी बड़ी होंदी है। अच्छा, मुंडा है जो दिल की आस मुराद होवे वो मन्नो पूरी होंदी है। ये अली असगर का झूला है, मौला अली असगर का झूला जी। माशाल्लाह, चलो ते वेंदे पे जिवें बणी होई है ना, इसी तरह ये मंजिल इत्थे बरामद होंदी है जेड़ी जांदी है। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये क्या है? ये लंगर खाना है। अच्छा, ठीक है। इत्थे आ तंदूर लगे हुए हैं, इत्थे लंगर पकदा है मेले दे दौरान। लकड़ा जला के की कर दियो? इत्थे पीर साहब खुद बनदे ने। अच्छा, हां जी, ये सद्या जांदा मच जी, सरकार हजरत शाह जी होने दा। अच्छा, ये वाला दिया जलाते हैं? हां, ये वाला दिया, तो ये देखें जी, ये लंगर खाना है और लंगर खाने पे रोटियां बन रही हैं। अच्छा, हम भी लंगर करेंगे, और लोग लंगर खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं। देखें जी, पहले से ही वली हैं, उसकी जिंदा मिसाल इनका होता सरकार लद्दन इमाम है, जिन्होंने 7 साल की एज में मिट्टी की दीवार में लगाई है। ये हजरत शेर शाह जलाल कुतुब कमाल सानी हैदर करार जलाल उल्लाह अबू दस्तम, उनका और कलंदर शाह का एक दौर है, एक ही उनका मुर्शिद है, उनकी औलाद में से हैं ये 7 उच्चे हैं पाकिस्तान में, जिनके बारे में बाबा बुले शाह ने कहा है तुसी उच्चे थोड़ी जात भी उच्ची तुसी विच उच्चा दे रहेंदे असी कसूरी साड़ी जात कसूरी असी विच कसूरी। उस हजरत शेर शाह जलाल दे मुरीदां दे विच ओ लोग भी हैं जिस तरह के सिखां दे बड़े हैं गुरु नानक जी, गुरु नानक इस लेवल दे इस पाई दे, ओ भी उन्हां दे मनन वाले हैं। उन्हां कोल पुछया गया तुसी मुसलमान हो हिंदू हो या सिख हो, उन्होंने की आख्या हिंदू कवां ते मारिया मुसला भी ते ना, पांच तन दा मैं पुतला ते गुरु नानक मेरा नाम। सरकार अक्सर बेशतर इंडिया जांदे आ दक्कन, क्योंकि जांदे जेडे आबाओ अजदाद इन वड्डे उत्ते उन्हां दे मज़ारां उत्ते जिन्हां दे कोल कलंदर शहनशाह नूं इशारफ मिले उन्होंने मुर्शद खाना भी वो है जी जी जी। सरकार शाह जमाल चमीना चमड़ पोश उन्होंने सही जी, उन्होंने बालादेन सरकार इब्राहिम गरम साहिब ठीक।
जिन्होंने इब्राहिम जवाबी के नाम तो जो सलाम करते हैं सरकार मौला हुसैन तो अगू जवाब आता है उत्थे गए तो वह लोगों के मसायल हल होने शुरू हो गए उन्हें आखिर क्यों ना हो सरकार को जिंदा कतल करके थाई मजार बना दे ताकि इंतजार ना करना पड़े। हाँ जी हाँ जी ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਰੋੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਖੈਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਹੀ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਈ ਮਜ਼ਾਰ ਕਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਆਈ ਇਰਾਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸੋ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਹੀ ਸਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਲੜ ਪਏ ਠੀਕ 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 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਤਾਰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਖਾਨਦਾਨ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਲੜਾਈ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਸਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਖੱਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦਰ ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਅੰਦਰ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੇ ਸੀਵਣਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਪੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਨਾਂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਣਾ ਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਣਾ ਆਲਾ ਜੀ ਜੀਵਣਾ ਆਲਾ ਅਜ਼ਰ ਮਹਿਬੂਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਮੈਂ ਬਲ ਕਰੋੜੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸੂਰਤ ਮੁਸੱਬਲ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ 20 ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਆਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੂਰਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਪੜੀ ਸੀ ਸੂਰਤ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਪੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਲੀ ਘਰ ਹੈ ਬਲੀ ਬਨੇ ਨਹੀਂ ਬਨਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਬਤੋ ਇਜ਼ੋ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਨਕੇ ਪੋਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਮਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਹਿਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਖੀ ਹਬੀਬ बेनसीबों के नसीब ये दरियाए जेल जनाब जो है ना पहले झांग के मशरक की साइड पे था जी जी बिल्कुल रुख इन्होंने चेंज किया था उनको लोगों ने कहा कि पानी आता है हमारी जमीन मकान ये अच्छा। में सरकार ने कहा ये कौन सा मुश्किल है दरिया को उठाया इधर रख देते हैं मगरब की तरफ है दरमियान में पहले मशरक की तरफ था मगरब की तरफ ये है डायरेक्शन ही चेंज कर दी सर इधर आए तो इधर एक पहले से फकीर रह रहा था अच्छा उसका नाम था बिलावल नून अच्छा ये जगह बिल्कुल चटियल मैदान वाले नून बिलावल नून उसने कहा जी जी नून एक कास्ट है कौम नून हाँ जी नून है तो फिर सुन ले उन्होंने शोर मचाया कि मैं इधर रह रहा हूँ तो आप चले जाएं सरकार ने कहा आप भी रहें मैं भी रहता हूँ आपका भी मैसेज वही है वहादनियत का प्रचार ला इलाहा इल्लल्लाह का यानी हम भी यही करते हैं यही करना है उसने कहा नहीं नहीं ऊपर से जो इस इलाके में था बड़ा भीरू उसका नाम था कल्यार कौन का अच्छा। वो आ गया उसने कहा कि मेरी बेटी इतने अरसे से उसको कोढ़ की बीमारी थी हाँ जी। तो ये तो दम कर रहा है दरूद कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ा हाँ आप सैयद भी हैं चेहरा भी नूरानी लगता है आप मेहरबानी करें मेरे साथ आएँ मेरे घर अच्छा। तो ने कहा नहीं ये पानी लेके आओ पानी उस वक्त हर जगह तो दस्तयाब नहीं था ना सही है दरिया से पानी मंगवाया गया सरकार ने दाम करके दिया कहा जाके छींटे लगा दो चीरे सही है जब छींटे लगाई तो फौरन ठीक हो गई इसलिए आपको ये भी कहते हैं करोड़िया बादशाह पाटे सीवना त्रुटे गड़ना कोड़ी का कोड़ बजावना सुभान अल्लाह ठीक है जी ठीक फिर उसने ये सारी जागीर सरकार के नाम कर दी अच्छा पूरा इलाका जो था हाँ जी अभी भी सरकार के नाम पे 25 मुरब्बी हैं बिल्कुल जी देखो हाँ जी बिल्कुल गवर्नमेंट के जी जी बिस्मिल्लाह बहुत शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया जी कभी कभी आए तो इंशाल्लाह शुक्रिया जनाब फोन नंबर ले लें तो ठीक है दुआ करेंगे हमारे लिए हम आएंगे इंशाल्लाह आते रहते हैं हम यहाँ पे जो भी मुरादे दिल में लेके आए हैं ये कोई दुख है किसी को अजीज को आपको परेशानी है मालिक आपको बहुत मेहरबान दुआएं करें जी हमारे लिए जी शुक्रिया जी।